अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक्सरसाइज 4.2 के रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे और क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपके पास x plus 1 over x equals to 3 है और हमने x cube plus 1 over x cube फाइंड करना है। तो बेटा सबसे पहले टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड फार्मूला लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, a cube plus b cube plus 3ab into a plus b के इक्वल होगा। अब a प्लस बी की वैल्यू जो दी हुई है वो x वो दी हुई है 3 3 3 9 9, इधर प्लस हो रहा है उस तरफ जाके क्या होगा माइनस, और 18 आपके पास आंसर आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे दिया हुआ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, 3x plus 1 over 3x equals to 5 है, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड होगा और क्यूब का फार्मूला क्या है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 फार्मूले का a इंटू बी इंटू ए प्लस बी, यानी फर्स्ट का क्यूब प्लस सेकंड का क्यूब प्लस 3 फॉर्मूले का फर्स्ट इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड इक्वल टू ये 5 का क्यूब 125 आ चुका है। इसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे 3x plus 1 over 3x की वैल्यू पुट की है और यहाँ पे 5 3 15 इधर प्लस हो रहा है, उधर जाके क्या होगा माइनस हो जाएगा, और 125 में से 15 माइनस करेंगे तो 110 आपके पास आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है और यहाँ पर जो फार्मूला है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, क्वेश्चन जो दिया हुआ है वो माइनस एक्स प्लस वाई दिया हुआ है। इन दोनों में से मैंने माइनस कॉमन कर लिया ताकि ये एक्स माइनस वाई टर्म बन जाए। अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब फार्मूला लास्ट टाइम हम लोगों ने सीखा था 4.1 में भी, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। अब दोनों में से एक्स माइनस वाई कॉमन कर लिया जाएगा, एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन हो जाएगा, और कॉमन होने के बाद जब पूरी टर्म कॉमन हो जाती है उसकी जगह पे 1 आ जाता है। इसी तरह अब 8x cube minus 1 over 27y cube है तो ये a का क्यूब यानी कि 2x का क्यूब बन जाएगा और ये 27 3y का क्यूब बन जाएगा। तो फार्मूला क्या है, a इसको a रख देते हैं इसको b रख देते हैं, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो a से मतलब फर्स्ट टर्म यानी कि 2x पुट किया जाएगा, b की जगह 1 over 3y पुट किया जाएगा, और जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ मैंने क्या किया 2x पुट किया, b की जगह 1 over 3y पुट कर दिया, a की जगह 2x और b की जगह 1 over 3y, इसी तरह ये b की जगह 1 over 3y पुट हो चुका है। तो बेटा 1 over 3y का मतलब 1 over 9y square है। तो ये फार्मूला हम लोगों ने अप्लाई कर दिया, a क्यूब माइनस b क्यूब किसके इक्वल होगा, a माइनस b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो बेटा नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जो है वो भी सिमिलर है, यही वाला फार्मूला 15 क्वेश्चन में है। तो फार्मूला हम लोगों ने एक्स स्क्वायर को ए लेट कर लिया और वाई स्क्वायर को बी लेट कर लिया, फार्मूला क्या अप्लाई किया, ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी, अगर यहाँ प्लस आएगा तो ये माइनस 7 आएगा इसके यहाँ पे, और प्लस बी स्क्वायर फार्मूला ये वाला है।